जब राइका कौम मरुधर में बसा करती थी, तब हिंदुकश पर्वत के उस पार से उठी अफगान कबाइलियों की आंधी मरुधर तक घुस आई और लोदरवा नगर में अफगानों ने कोसों दूर से घेर लिया। अफगानों की तादाद उतनी ज़्यादा थी कि लोदरवा के राइकों का विजय असंभव ज़्यादा लगता था। इस विकट परिस्थितियों में तत्काल राइका सरदार गुंगलराय गोगल ने राइका सरदारों को यह संपूर्ण स्थिति से वाकिफ कराया। तब गुंगलराय गोगल का जवान बेटा यमराज गोगल ने राइका सरदारों को अफगानों से युद्ध करने का सुझाव दिया। यमराज राइका को माँ बायन पर सर्वाधिक विश्वास था। वह बायन का परम उपासक भी था। उस दौरान मरुधर लोदरवा नगर के सभी राइकों के आराध्य देवी माँ बायन थे। यमराज राइका ने सभी राइकों को युद्ध के लिए तैयार किया और खुद अफगानों के सामने युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध से पहले यमराज राइका माँ बायन से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचा। तब माँ बायन ने कहा, तोड़ो डाली आंकरी विजय राइका थारी। माँ बायन ने यमराज राइका को युद्ध में आंख की डाली को निशान के तौर वह माँ बायन के आशीर्वाद का प्रतीक होगा। यमराज राइका ने ठीक उसी तरह किया और राइका सेना के यमराज के नेतृत्व में अफगान कबाइलियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और यमराज राइका की वीरता व माँ बायन के आशीर्वाद से कम संख्या में होकर भी राइकों ने अफगानों से लोदरवा का घेर तुड़वा कर अफगानों को दौड़ा कर मारा। वीर श्रोमणी यमराज राइका ने अपनी कौम के स्वाभिमान के लिए अफगानों कबाइलियों को तक खदेड़ दिया। यह अफगानों की हार उतनी शर्मनाक थी कि वे अगली कई सदियों तक लोदरवा के मार्ग से भारत में नहीं घुसे, लेकिन दुर्गम पंजाब के रास्ते से ही भारत में आने की जरूरत करने लगे। वीर श्रोमणी यमराज राइका अफगानों से युद्ध जीतकर राइका कौम में बहुत सहिष्णु बन गए थे। युद्ध में आखिरी डाल के निशान की वजह से राइका कौम में युद्ध के बाद वह नया नाम अकोजी गोगल से प्रसिद्ध हुए थे। समय के साथ राइका कौम लोदरवा से बिखर गई और वीर श्रोमणी यमराज गोगल के वंशज समय के साथ मंडोर वर्तमान जोधपुर के पास सोका में रहते।